नमस्कार, मैं भी साहब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ रॉबर्ट तो जुड़ चुके हैं और इनसे आज रिलीजियस कन्वर्जन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, जिस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इसे गंभीर खतरा बताया था। और इससे पहले अलाहाबाद हाईकोर्ट का भी इसी तरह का जज आप सुन पा रहे अब आपको वॉइस क्लियर आ रही है? आ रही है जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज कट रही है आपकी? आवाज कट रही है, बीच बीच में कट रही है, कुछ प्रॉब्लम है आपका शायद नेटवर्क में? आवाज कट रही है बीच बीच में? नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं है, बट आप सुन पा रहे हैं अभी? आवाज क्लियर है, फिर कभी कभी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने गंभीर खतरा बताया था और केंद्र सरकार ने भी जवाब दाखिल किया है और जो PIL में मेंशन है उसको उन्होंने मतलब जरूरी माना है। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जरूरी माना? केंद्र सरकार ने जो अपना जवाब दाखिल किया उसमें केंद्र सरकार ने ये माना कि ये जरूरी है और इसके ऊपर मतलब विचार किया जाएगा। क्या जरूरी है मतांतर रोकना? जी, केंद्र सरकार ने तो बोलना ही था और इतना नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? इतने 8 साल से खुद तो कुछ किया नहीं, अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो ये जवाब दिया तो अच्छी बात है। तो सर, सेम तरह के इस तरह के इश्यूज के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, क्योंकि आपको याद होगा एक जावेद नामक व्यक्ति एक लड़की का धर्मांतरण करा रहा था, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये देश के लिए खतरा है और जब जब देश में इस तरह से धर्मांतरण बढ़ते हैं उससे हम गुलाम होते हैं और जो विभाजनकारी शक्ति है उसको इस चीज का फायदा मिलता है। तो केंद्र सरकार अब तक मतलब इन चीजों के ऊपर ये करना और अब इसका जवाब देना, सामने चुनाव भी है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका सवाल कट रहा है बीच में, क्या बोले आप? एक मिनट, आपको अब आपको क्लियर आवाज होगी? सवाल बीच में कट जाता है, कट सुनाई देता है। अब आपको बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है? आप सुनाई दे रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि ये ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर आप इसमें एक मिनट भी लेट कर दें, जैसी जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, लेकिन 8 साल में केंद्र सरकार ने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और आइडियली देखा जाए तो ये पार्लियामेंट में कानून बनने चाहिए थे, बट अब केंद्र सरकार ने जवाब दिया। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अभी चुनाव चल रहा है, इसको देखते हुए इस चीज के ऊपर मतलब उसको जरूरी माना है? बीच में कट गया सवाल आपका। अब आ रहा है आपको आवाज? कट हो रहा है ना बीच में? कट रहा है क्यों? आवाज कट रहा है क्यों? कंटिन्यूस नहीं आता है, मेरी आवाज तो कंटिन्यू आ रही है ना? आपकी तरफ से नेट कनेक्शन का इश्यूज है शायद। कौन सा? जी, ना नेट कनेक्शन से इशू नहीं है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? जी, आप इसके ऊपर आप जो भी थोड़ी बहुत आप सुन रहे हैं उसके भी यहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं। आपको सवाल ही नहीं सुना मैंने।
जी अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ जी, जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही है, बोलिए जी। मैंने ये कहा कि इतने टाइम तक इन लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अब इसको जरूरी बता रहे हैं, लेकिन ये जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको इन्होंने नकारा नहीं है, बट इससे पहले जितने पीआईएल रहे, चाहे यूसीसी को लेकर रहे, चाहे अलग मामले रहे, हर जगह एक ही प्रॉब्लम रहा कि इन लोगों ने उस चीज को नेग्लेक्ट किया, लेकिन अब उसको ये मान रहे हैं कि हाँ ये जरूरी है। या तो साढ़े आठ साल के बाद याद आया, साढ़े आठ साल के बाद में याद आया ना जी, कम से कम अभी तो याद आया। साढ़े आठ साल तक लोग वोट देते रहेंगे तो जरूरी नहीं है ना, क्या क्या करना है, किस बात के लिए लोगों ने वोट दिया वही भूल गए तो फिर क्या होगा। तो ये आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के हिस्सा बनकर रह गए, बजाय कि ये कोई इनका पॉलिसी हो इस तरह का? ना, अब तो ऐसे लगता है, अभी तो दूसरे टर्म में तो ऐसे लगता है, पहले टर्म में तो ठीक है, कुछ कर रहे हैं तो समय देना चाहिए, जल्दबाजी ना करें तो ठीक था, अभी दूसरे टर्म में तो पता नहीं, पहले 6 महीने ठीक चला, उसके बाद तो ऐसा ही है, टाइम पास जैसे लग रहा है मेरे को। ये अपना सिविलाइजेशन वाला इश्यू, अपनी सभ्यता के ऊपर क्या करना चाहिए, तो वो तो कुछ हुआ नहीं है, फिर पता नहीं अजीब अजीब भरे ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं कि ये पता नहीं कांग्रेस से भी बदतर होते जा रही हैं। जी 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 बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जो इस तरह के कन्वर्जन रैकेट चल रहे हैं, जैसे कि आपने चर्चों को लेकर कई खुलासे किए, तो क्या ये जो चर्च है उनका मिशनरीज के तरफ किस तरह का रवैया रहा है? किसका रवैया? जैसे जो चर्च है, चर्च तो आपको पता है कि जो मिशनरीज है, कई जगह लोगों को धर्मांतरण धोखे से कराया जा रहा है, कई जगह काला जादू के नाम पर कराया जा रहा है, कहीं लोभ लालच के नाम पर कराया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को मना कि आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये एक अपराध है। नहीं, ये यही है ना, यही तो ये मामला है कि चक्कर तो प्लेइंग विद द वर्ड्स बोलते हैं ना, प्लेइंग विद द वर्ड्स, शब्दों का खेल है ये। अब मुझे ये बताइए, जबरदस्ती क्या होता है? अब मतांतरण, अब आप देखिए, किसी का अगर सर पे बंदूक रखे या गर्दन पे तलवार रख के किसी को किया तो जबरदस्ती हो गया, लेकिन इनके पास ऐसे ऐसे हथकंडे हैं, आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते इसको, आप वो अंग्रेजी में कहें तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक रास्ते हैं ऐसे, तो इसकी उसमें ना आप उसके जबरदस्ती कह सकते हैं, ना आप और कुछ कह सकते हैं, तो ऐसे ऐसे हथकंडे है ना, सुनाई दे रहा ना? हेलो, फ्रीज हो गया, हेलो, वीडियो फ्रीज हो गया, सुना, आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, कंटिन्यू हुई थी। अब देखिए, धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण, जबरदस्ती मतांतरण, धर्मांतरण शब्द ठीक नहीं होगा, मतांतरण तो हुआ था 400 साल पहले, जो पोर्चुगीजों ने किया था वो तो जबरदस्ती था, उसके बाद आज की तारीख में आप देखेंगे तो जबरदस्त करने का जमाना नहीं रहा। अभी जो जिस माहौल में हम हैं, आप जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती किसी को खिला नहीं सकते, किसी को पिला नहीं सकते, धर्मांतरण की दूर बात है। तो इनके हथकंडे भी बदलते हैं, जैसे कि वक्त बदला तो तलवार की जगह पे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन आ गया, तो लोगों को पता ही लगता है कि हम इनके ट्रैप, क्या बोलते हैं, ट्रैप में पड़े हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में ट्रैप को, इनके जाल में फंसे, पता ही नहीं लगता, तो ये वॉक इन टू द ट्रैप बोलते हैं ना, आप तो जाल में चले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें होती हैं, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। और अब देखिए, अगर मैंने आपको तलवार दिखा के दबकाया तो आप क्या कह सकते हैं, इसको एक थ्रेट बोल सकते हैं। अगर मैंने भगवान को दिखा के आपको डराया तो आप क्या थ्रेट बोल सकते हैं इसको?
अब देखिए दोनों बात तो एक ही है, एक जगह पे मैंने बंदूक दिखा के डराया, दूसरी जगह पे भगवान, ये है भगवान, असली भगवान, इसको मानो नहीं तो नरक में जाओगे, ये भी तो डर ही है ना। लेकिन आप इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं क्या? अगर आप भी, क्योंकि बंदूक नहीं रखी है आपने, डराया है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से डराया है, तो इसको इसी को कहता हूं मैं कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अब ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पता नहीं कोर्ट इसको कैसे देखेगी और कैसे निपटेगी, जरा मुश्किल सवाल है। और अब देखिए मूलभूत प्रश्न तो यहाँ पे संविधान में आता है, मैं अगर ये संविधान में आर्टिकल 25 की जरूरत ही नहीं थी जबकि, तभी आर्टिकल डाला क्यों? आर्टिकल इसीलिए डाला कि इसी काम के लिए डाला, तो ये तो टूल किट तो बहुत पहले बनी हुई थी, आजकल नहीं बनी है। हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा था पहले, अच्छा नहीं था, 47 में ही टूल किट बनी थी कि आगे जाके हमें ये काम करना है, इसके लिए ये आर्टिकल डाल दो। आर्टिकल 25 से लेकर 30 की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरी नहीं है हमारे संविधान में, फिर भी डाल दिया, तो इसी उद्देश्य से डाला, तो आज जाके वो काम आ रहे हैं उनके इसमें। अब ऐसे ऐसे तो हक दे दिए हैं। अब देखिए रिलीजन का मतलब होता है कि किसी का पर्सनल फ्रीडम नहीं है, एक बात बताऊं, अगर अगर क्रिश्चियनिटी में पर्सनल फ्रीडम नहीं है, आप पूरे चर्च के कंट्रोल में है, और ये करने का हक संविधान ने दिया है। ये देखिए मतलब मेरा पर्सनल फ्रीडम निकालने का हक संविधान ने दिया, ये कैसी कैसी आवास परिस्थिति है। देखिए एक तरह से बोलते हैं कि फ्रीडम है, अब आप एक हिंदू हैं, आपको कोई जबरदस्ती है क्या मंदिर जाना? कोई जबरदस्ती करता है आपको? नहीं करता है ना, आपकी मर्जी है, आप चाहें जाएं ना या नहीं जाएं, लेकिन अपने को जाना ही, हफ्ते में एक बार जाना ही है, अगर नहीं गए तो फिर भगवान नाराज हो जाएगा, इसे पता नहीं क्या क्या डरावनी होती है। तो इसमें पर्सनल फ्रीडम कहाँ रह गया? मेरा पर्सनल फ्रीडम कहाँ रह गया इसमें? नहीं ना, सारे सारे इनके क्या बोलते हैं डिक्टाट, चर्च के डिक्टाट के मतलब से जाना पड़ा, और ये करने का संविधान ने हक दिया है। ये देखिए जरा, ये गौर कीजिए इस बात पर, संविधान ने हक दिया के मतलब कुछ अजीब सी बात है ना, किसी को ऐसे हक भी दिए जाते हैं कि किसी और के पर्सनल फ्रीडम को ले जाए। तो मूलभूत समस्या तो संविधान में है मुझे लगता है। अब आप जो भी बहस करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जो भी देखेगी, उसको ये देखना पड़ेगा कि ये आर्टिकल डाला ही क्यों है, आर्टिकल जबकि जरूरी नहीं था। अब आप ये कोई दलील दे सकते हैं कि भारत में या इनको ईसाइयों को या किसी माइनॉरिटी को सुरक्षित रखने के लिए ये आर्टिकल डाला बोले दो, पर मैं ये कहूंगा, अब देखिए इतिहास में पिछले 1000-1500 साल के इतिहास देश का देखिए तो तकरीबन 2-3 या 4 शताब्दी में ईसाइयत भारत में आई, तब से लेकर के आज तक ये 47 कैसे बची है? अभी तो आर्टिकल आया 47 में ना, तब तक ईसाइयत कैसे बची है? अब बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजों के सामने उनका जमाना था, ठीक है, उससे पहले तो 34 शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक इस देश में ईसाइयत थी। इसका मतलब इस देश के लोग सब बाहर, जो बाहर से जो भी आइडिया आता है, रिलीजन आता है, सबको मान्यता दी हुई है, सबको रेस्पेक्ट किया है, सबको रहने का ये क्या सुविधा भी दिया, इसी कारण बची है ना। तो ऐसे माहौल में फिर आर्टिकल में उनको सेफ्टी देने की क्या जरूरत आ गई? अगर सचमुच में इनका इनका क्या है कि ये क्या सेफ अनसेफ फील करते, तभी तो डालना चाहिए था। ऐसा तो हुआ नहीं कभी चरित्र में, देखिए अभी इतिहास में कभी भी देखिए, कभी भी ईसाइयों तक या किसी के ऊपर भी, चाहे आप छोटे से छोटे माइनॉरिटी हैं, जो यहूदी थे या फारसी थे, उनके ऊपर भी किसी ने जबरदस्ती नहीं की, वो अपना धर्म मतलब चला रहे। तो ऐसे माहौल में ये आर्टिकल डालने की जरूरत क्या पड़ी? मेरा ये फंडामेंटल सवाल है, मूलभूत प्रश्न ये उठाना चाहिए आज। तो क्या ये आपको लगता है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं? ऐसा नहीं, करना ही चाहिए, कर सकते हैं या नहीं कि नहीं बात, अगर आपको ऐसा सवाल पूछेंगे तो मोदी सरकार बोलेंगे कि यार हमारे पास बहुमत नहीं है, तो राज्यसभा में बहुमत नहीं है, आगे जाके राज्यसभा में बहुमत आया तो फिर बोलेंगे हमें 2/3 बहुमत नहीं है, आगे 2/3 बहुमत भी आएगी तो फिर बोलेंगे हमें यूएन में प्रॉब्लम होता है, इंटरनेशनल लेवल में प्रॉब्लम होता है, यूएन में बहुमत नहीं है, तो यूएन में आगे जाके समझो कि एक दिन बहुमत आ गया यूएन में भी, तो बोलेंगे चंद्रलोक में हमें बहुमत नहीं है।
तो फिर बोलेंगे चंद्रलोक में भी आप बहुमत आया तो फिर बोलेंगे मंगल में नहीं है, तो ये तो बात चलती रहेगी। आपको मेजोरिटी कभी आएगी नहीं कि पूरा मंगल और भूलोक तो आपका होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं रास्ते तो ढूंढने ही पड़ेंगे ना। सही है। तो सर भारतवर्ष में एक जो देखा गया जिसका नाम आप आजकल सुन रहे हैं तृप्तिकरण, तो तृप्तिकरण में क्या है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप उस कम्युनिटी के नाम पर तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। जो रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जैसे कि कलीमुद्दीन पकड़ा गया, इफ्तिखारुद्दीन, कई नाम सामने आए, उसमें एक इरफान शेख भी था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डैश शेयर किया था, मतलब उनके ट्रांसलेटर का काम करता था। तो जब एक कम्युनिटी के बिहाव पे, जैसे माइनॉरिटी के नाम पर आपको पता है कि मुस्लिम्स हैं भारतवर्ष में, कि जो कि सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती है, तो उस कंडीशन में आप उस कम्युनिटी को आप सारे मतलब फैसिलिटीज मुहैया करा रहे। कई लड़कियां जो वेल एजुकेटेड थी उन्होंने ये खुलासा किया कि वो लोग मतलब इन सुविधाओं की वजह से धर्मांतरित हुए। तो फिर क्या आपको लगता है कि जब एक कम्युनिटी के बिहार पर इतनी सारी सुविधाएं दी जाए और वहां धर्मांतरण रोकने की बात की जाए, तो ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है पूरी तरह से? तो पॉलिटिकल स्टंट तो है ही, मैं कहता हूं इससे बहुत ज्यादा है कुछ, ये बेवकूफी का क्या बोलते हैं कि चरम सीमा है ये पॉलिटिकल स्टंट। तो फिर भी ठीक होगा, अगर आपको वोट मिलता है तो करते हैं, तो भी कुछ हद तक समझ में आता है। ये तो ये बेवकूफी तो इस हद तक है। अब देखिए, ये बकरे और भेड़ियों का, भेड़ियों के बीच में एक संधान होता है, समझिए। बकरा बकरा बकरे का झुंड बोलता है कि भेड़ियों को, कल से हम हमारे जो चारा है ना, जो घास चरने का, ये हम छोड़ के आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमें तकलीफ मत करो। क्या भेड़िया कुछ होगा? भेड़िया कुछ होगा क्या? भेड़िया कब कुछ होगा? भेड़िया तभी कुछ होगा जब वो बकरे को पकड़ के उसका खून चूसेगा, तो तब तक वो तृप्तिकरण नहीं होगा। अगर इन लोगों को ये बात समझ में आई कि तृप्तिकरण तभी होता है जब आपके खून चूस लेंगे, आपका मांस खा लेंगे, तभी तृप्तिकरण होता है, तो आप तृप्तिकरण करने का क्या बात होगी? मतलब आपकी जितनी भी जनसंख्या है सबको बलि दे दो, बलि चढ़ाओ, तभी तो तृप्तिकरण होगा। तो तृप्तिकरण शब्द ही मेरे को इतना भयानक लगता है ना इनके मुंह से। तो इनको क्या समझ में नहीं है? ये भेड़ियों का गुण क्या होता है यह समझ में नहीं है कि ये कर क्या रही है? मेरे को सचमुच में बहुत ही भयावह दिखता है ये। तो सर अगर ये चीज तो भयावह है, बट ये जिस जिनके बिहाव पर ये सत्ता में आया, आज उन्हीं के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उस पर से ये अगर कुछ काम करना चाहे तो उसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाता है। डीए अगर इनको कुछ करना है तो ये तो पार्लियामेंट के जरिए करना चाहिए था। पार्लियामेंट के जरिए ही करना चाहिए था, अगर कम से कम दिखाएं तो हम जिंदा हैं। अगर सारा काम सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो सरकार क्यों चाहिए, पार्लियामेंट क्यों चाहिए? बस हम सुप्रीम कोर्ट ही चुन लेंगे ना। सरकार नाम की काम चीज है, पार्लियामेंट का नाम चीज, अपना काम करना चाहिए उनको। तो इस तरह से मतलब इन मुद्दों को सिर्फ ये लोग सेंटिमेंट के आधार पर लोगों से वोट लेना चाहते हैं बजाय कुछ करने के। सवाल कट रहा है, सवाल सुनाई नहीं रहा है। सेंटिमेंट सर आप सुन पा रहे हैं? बीच बीच में कट जाता है, बोलते वक्त ना एक शब्द सुनता है दूसरा शब्द नहीं सुनता है, ऐसा है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जब इस तरह का मतलब ये सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर वोट लेने का इनका एक टैक्टिक मात्र आ गया, वरना जो भी रेडिकल फोर्सेस है उसके सामने तो ये पूरी तरह से मतलब नतमस्तक है। जैसे कि अभी हमारे एनएसए भारत और इंडोनेशिया के मौलानाओं के साथ, और वो शांति लाएंगे मतलब पूरे विश्व में। ये बिल्कुल नतमस्तक तो है ही ना, हम देख रहे हैं ना पिछले एक दो साल से, तो देख रहे हैं संपूर्ण नतमस्तक है इनको। जिन ताकतों को इन्होंने के आड़े हाथों लेना चाहिए था, जिनका मुकाबला करना चाहिए था, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है, मेरा सहमत हूं मैं आपसे। और ये समझते हैं कि हम नतमस्तक होके उनको तृप्तिकरण करेंगे, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये नतमस्तक होंगे तो वो तृप्तिकरण तभी होंगे जब वो आपका खून चूस लेंगे। सर ये आइडियली तो चल रहा है, बट ये जो जैसे कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन रहा कि
ये जो हिंदू कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी में, ये कम्युनिटी आगे आने वाले समय में माइनोरिटी हो जाएगी। जो अश्वनी उपाध्याय ने पीएल दाखिल किया उसका मतलब पॉइंट यही है कि ये जो धर्मांतर रैकेट चल रहे हैं इसका अल्टीमेट गोल ये है कि जो यहाँ का मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको धर्मांतरित करा जल्द से जल्द, इस देश में एक नई सत्ता लाई जाए जो कि अपने तरीके से काम करे। ये वो तो साफ है ना, नहीं मकसद तो साफ है, बिल्कुल साफ है, आपको कोई इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द चर्च ऑफ द इज वेरी क्लियर, बहुत साफ है कि दुनिया भर में अपना मत फैलाना है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में। अब दुनिया भर में वो काफी हद तक सफल रहे लेकिन भारत में कर नहीं पाए, कहीं पिछले साल से बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया तब जोर लगा। तो इनके मकसद पे आप शक नहीं कर सकते, बिल्कुल साफ है मकसद। बट जैसे कि पीएफआई जैसे संगठन के जो मतलब उनके डॉक्यूमेंट है वो सामने आते हैं, लेकिन बाकी जो पीएफआई से नहीं भी जुड़े हुए सबका अल्टीमेट गोल ये है कि हमें सत्ता प्राप्ति कर यहाँ पर सरिया का राज लाना है, लेकिन क्या सरकार बिल्कुल अन्य रिलीजन बनाई इसलिए ना, आप जब जब मूल में जाओगे, आप मूल में जाओगे, अभी आज की बात नहीं, आप मूल में जाओगे रिलीजन बनाई क्यों है। अगर आप देखें रिलीजन का, जो रिलीजन बोल रहा हूं मैं मतलब अब्राहमिक रिलीजन, ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म इज अ डिफरेंट वर्ड, धर्म तो एक क्या बोलते हैं कि वैल्यू सिस्टम है। ये रिलीजन का मकसद ही बनाई इसीलिए था, जब रिलीजन बना तो इसी मकसद के लिए बना था, तो वही काम हो रहा है। वो मकसद बाद में नहीं जोड़े गए, आजकल के नहीं है वो, जब ये बना था तभी से। सर ठीक है, उनका जो एजेंडा है पूरी तरह से क्लियर है, बट जो आज सत्ताधारी पार्टी है क्या आपको कहीं से भी लगता है कि ये लोग उस चीज को कंट्रोल करने में या फिर उनको रोकने में ये लोग सक्षम दिख रहे हो कहीं से भी? हाँ जी क्या सवाल? सवाल क्या था आपका? सवाल मेरा ये था कि जिस तरह के षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, जैसे कि एक धर्मांतरण रैकेट भी इस तरह के एक बड़े, आप एक बार एग्जिट करके फिर से दोबारा रिकनेक्ट हो जाइए आप, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, एक बार आप एग्जिट करके रिकनेक्ट हो जाइए। तो अभी फिर हमसे जुड़ रहे हैं, फिर उनके से इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, और आप ये खुद देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब षड्यंत्र चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सब मतलब स्टंटबाजी चल रही है जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम है अगर उस चीज को रोकने के बजाय यहाँ पर देखें आप, जो कि 8.5 साल हो गए और 8.5 साल में भी आज देखिए कि इस तरह से सिर्फ स्टंटबाजी चल रही है, बजाय कि ये लोग कुछ वैसा करें जो कि दिख रहा हो कि ऐसा ये करने वाले। ठीक है, इस याचिका पर इन्होंने सिर्फ जवाब दिया है, कानून बनाना एक अलग चीज है, वो पार्लियामेंट से ही बनेगा, लेकिन सवाल वो भी उठा रहे थे, मैं भी हमेशा उठाते रहा हूं कि आखिर जब इन्होंने करना है वो इनके एजेंडे में है तो ऐसा क्यों होता है कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के से याचिका जाए, तो कई बार क्या करते हैं कि ये लोग। जी अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। जी मेरा सवाल आपसे ये था कि ये लोग आ रही है मतलब जिस तरह से जो भी फोर्सेस हैं जो कि चाहती हैं कि भारतवर्ष के ऊपर उन्हें कब्जा करना है, तो उसको काउंटर करने के बजाय ये उसके सामने ऐसा नहीं है कि सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो पूरी तरह से? हाँ जी बिल्कुल सरेंडर हो रहे हैं ना, यही तो बताया ना मैंने शुरू में, बताया कि बिल्कुल सरेंडर हो रहे हैं, इनके पास ना कोई रणनीति है ना कोई पता नहीं, सरेंडर सिर्फ सरेंडर हो नहीं रहे, अपने लोगों को भी जबरदस्ती सरेंडर करा रहे हैं, जैसा कि अश्विनी उपाध्याय को उठा के जेल में भेज दिया, और नुपुर शर्मा को जैसे कि अभी बंद कमरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया, ये क्या काम कर रही है? सर आपने नुपुर शर्मा का जिक्र किया, नुपुर शर्मा ने तो वही बात कर दी जो उनके टेक्स्ट में था। बिल्कुल, अगर गलत भी कहा फिर उनको अरे गर्व नजर बंद रखने के रख ली कि क्या, अरे
मतलब ये आप घुमा फिर नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते रास्ते पे, इतना बड़ा अपराध किया क्या सर? हाउस अरेस्ट रहना पड़ेगा जिंदगी भर। कतर की भावनाएं आहत हो गई थी नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट से, सेम वही बात जाकिर नाइक ने कहा, उसको अब इनविटेशन दिया था नहीं दिया था उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने आवाज उठाई, तो भारत सरकार ने बोला कि उसने भेजा है नहीं भेजा है ये हमें नहीं पता, हरदीप सिंह पुरी का स्टेटमेंट आया। फिर बाद में इन्होंने बोला कि नहीं कतर ने ऐसा नहीं किया था, उसने ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं भेजा था, लेकिन वही जाकिर नाइक वही बात बोलता है और उसको वहां पे इन्वाइट किया जाता है और इवन धर्मांतरण कराता है वो। हाँ जी बिल्कुल, हाँ कमी तो अपनी सरकार से रही है ना, अपनी सरकार की तरफ से कमियां रही हैं, वो तो साफ है, वो तो करेंगे, कतर इसीलिए जाना जाता है, वो तो ऐसे ऐसे हरकतें करेगा ही, तो कतर कतर को दोष दे के कुछ फायदा नहीं है, अपने अपने सरकार में बैठे हुए लोगों को अकल में क्या घुसा है, कुछ ये ब्रेन नाम की कुछ चीज है या क्या है जी? आप रिपीट कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। हाँ जी आप रिपीट कीजिए, अभी थोड़ी सी आपकी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी, आप उसको रिपीट कीजिए आप। हेलो हेलो सुनाई देते हैं अभी? जैसा कि बता, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे आऊं। मैं हाँ आपको सुन रहा हूँ जी जी, मेरा मतलब पॉइंट ये था कि जो कतर है, जो उसकी हिपोक्रेसी है कि वो नूपुर शर्मा से तो आहत हो जाता है, भारत सरकार से अपोलॉजी की भी डिमांड कर देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ जाकिर नाइक वहां जाता है, तो जाकिर नाइक को ये लोग आईना दिखाना तो बहुत दूर बात है, उस चीज को लेकर कतर को ये लोग चाहते तो आईना दिखा सकते थे कि जाकिर नाइक ने ऐसा किया था, लेकिन उसको लेकर जब यही बोलते हैं डिप्लोमेसी में कंप्लीट फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, इतना बड़ा देश ये बोलता था कि हम हमारे दुनिया ऊपर प्रेशर बना सकते हैं क्या, इनको कांग्रेस को ये शपथ दे रहे थे ना मोदी जब सीएम थे, हम प्रेशर डाल सकते हैं दुनिया के, अब क्या हो गया भाई, इतने छोटे से मुल्क पर नतमस्तक हो गए, इतनी बड़ी सफलता थी आपकी डिप्लोमेसी में, सारी मिट्टी में मिला दी ना, एक छोटे छोटे से छोटे गाँव के सामने नतमस्तक होकर आपने ये दिखा दिया कि आप तो कुछ दम नहीं है नहीं, दुनिया के सामने पूरा बेइज्जती हो गई हमारी। तो सर सवाल ये भी है कि जितने जैसे धर्मांतरण से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग, जैसे कलीमुद्दीन जो पकड़ा गया था धर्म, जब हम रिलीजन रैकेट की बात करें तो कलीमुद्दीन दो दिन पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलता है, जो मैंने इससे पहले जिक्र किया था इरफान शेख जो कि मोदी जी के वो ट्रांसलेटर का काम कर रहा था उनके मंचों से, जो कि उसके साथ का फोटो भी सामने आया था। तो जितने धर्मांतरण से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जैसे कि जमीयत उलमा हिंद, आपको पता है कि वो आतंक टेररिस्ट के केस लड़ता है, वो भी मोहन भागवत जी से मिलता है, तो ये लोग कौन सी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो कि लोग आम लोग नहीं समझ पा रहे? जी तो मैं बोला ना, ये तो एक तरफ से अज्ञान और दूसरी तरफ से पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं, यही तो मुझे यार लगता है कि आश्चर्य भी लगता है डर भी लगता है कि इनके इनके हाथों में देश दे दिया हमने, क्या होगा इस देश का, उसे उसे कांग्रेस अच्छी थी कम से कम, ये लोग लड़ तो लेते, अब तो इनके भरोसे बैठे हैं कि हाथ बांध के बैठे हैं वो हमें नैया पार करा लेंगे और ये तो डुबा देंगे बीच में। बिल्कुल सर, आपसे मैं सहमत इस चीज से लेकर हूँ, अभी मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया कि प्राइवेट अगर मदरसों में सरकार अगर दखल देती है तो मुसलमान खड़ा होगा और देश में आग लग जाएगी, उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, बाकी कोई मेजोरिटी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कोई भी संत हो अगर वो एक सब कुछ भी बोल देता है अपने धर्म को लेकर, बोले जैसे ही बोले, इनके पार्टी के नेताओं की ही ले लीजिए, जैसे कि टाइगर राजा सिंह, टाइगर राजा सिंह ने एक वृद्ध व्यक्ति का जिक्र किया था, किसी का नाम नहीं लिया था, उसको निकालकर इन्होंने बाहर फेंक दिया, लेकिन कभी भी किसी मौलाना के ऊपर, जैसे कि एक तौकीर रजा करके नाम जानते होंगे आप, वो जलसा बुलाता है और बोलता है कि अगर हम सड़कों पर निकल गए तो लोगों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, और दूसरी तरफ लोगों को हेट स्पीच के मामले में जेल में डाला जाता है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिलती है। हाँ जी बिल्कुल, यही बोला ना, यही तो खासियत है कि 56 इंच का लीडरशिप का खासियत यही है,
उससे उससे वही बोला मैं, उससे कांग्रेस अच्छी थी कम से कम, कांग्रेस कांग्रेस जो भी करती तो कम से कम हम विरोध तो कर लेते, सड़क पे निकल के विरोध तो कर लेते, ये तो अपने लोग हैं, इनका ना विरोध कर सकते हैं ना जयकारी करना पड़ेगा ना वाह मोदी बोलना पड़ेगा, और क्या बोलेंगे, ठीक है ना। अगर अगर कोई दूसरा दल सत्ता में होता कम से कम आम लोग तो विरोध कर लेते ना सड़क पे, आज ना विरोध कर सकते हैं ना इनको, इनका तो ऐसे ऐसे इसमें फंस गए, दलदल में फंस गए। तो सर अगर इस तरह की अगर स्थिति लगातार चलती रही तो ये तो कंडीशन इस तरह का बनता जा रहा है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान बांग्लादेश और सीरिया से भी बदतर होने वाले हैं। जी बिल्कुल सही है, ये बोला ना शुरुआत में बोला कि भयावह भयावह लगता है मेरे को, तो भविष्य तो बहुत डरावा लगता है ना, इन जैसे जिस रास्ते से ये जा रहे हैं और इतना जनाक्रोश के बाद भी इनको समझ में नहीं आता है, कम से कम पिछले एक साल से अगर पब्लिक ओपिनियन किस दिशा में जा रही है थोड़ा सा भी गौर करते ये तो सुधर लेते, तो ये भी नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए बॉलीवुड का जो हाल हुआ है, तो जो लोगों ने किया है कम से कम इससे तो सबक लेते कि जनता आपके साथ है करो ना। सर अभी रिसेंट नागपुर में अभी इनका पंचायत चुनाव के इलेक्शन में इनको 0 सीट मिला है, इवन हरियाणा में 104 में 22 सीट मिले हैं मात्र इनके पार्टी के सिंबल पे। अब ठीक है वहां पे जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत कर आएंगे उसको इन लोगों ने शामिल कर लिया, बट ये हर जगह तो इसी तरह खेल चल रहा है, या तो ये सत्ता जिस तरह से भी आए अल्टीमेटली इनको सत्ता से मतलब है, लेकिन जो इनके समर्थक हैं जो हार्डकोर समर्थक है उनको इस चीज का भी खमियाजा उठाना पड़ रहा है, जैसे कि प्रवीण नेटारू की हत्या हुई। जी बिल्कुल, वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्हीं की पुलिस है कर्नाटक में, आप कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं, वहां पे इन्हीं की पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो जस्टिस के लिए सड़क पर उतरे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे। जी वो भी नेता भाजपा के संघ के नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, आम आदमी को छोड़ दिया, आम आदमी की तो आम बात है, नेताओं के ऊपर भी किया। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि खासियत बीजेपी की यही खासियत की खासियत है कि अपने लोगों पे लाठी चलाने के माहिर हैं, और इसको ये लोग अपनी स्ट्रेटजी और अपने संस्कार से जोड़ देते हैं कि ये हमारे संस्कार है कि हम किसी को नहीं बख्शते, लेकिन एक्चुअल में जहां कार्रवाई करनी हो वहां पर ये पूरी तरह से नतमस्तक होते हैं। नहीं नहीं, बेवकूफी को आप अगर संस्कार बोलेंगे तो हम क्या बोलें इसको यार, आपकी आपका स्टैंड आपका रणनीति नहीं आती है ना आपको कुछ समझ आती है, फिर उसको अगर अपना बड़प्पन मानेंगे तो क्या बोलेंगे हम। तो मतलब इस अच्छा सर एक प्रॉब्लम है, आज इवन सोशल मीडिया का दौर है, इतनी सारी सच्चाई है लोगों के सामने, लेकिन फिर भी आज जो लोगों की तरफ से एक रिस्पॉन्स होना चाहिए जो कि उनके विरुद्ध ही काम हो रहा है, लेकिन उसमें भी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है, वो मतलब इस तरह की माइंडसेट किस तरह से डेवलप की गई है लोगों के अंदर, क्योंकि इनका आईटी सेल का ना, ना, है लोग तो अभी भड़क गए हैं बहुत बहुत हद तक, लोग भड़क ना लोग तो भड़क गए बड़ी हद तक, शायद इन लोगों को समझ में नहीं आया कि कितने भड़क गए। मुझे लगता है अभी 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 देखिए एक बात बोल रहा हूँ, बड़ी बात लग सकती है आपको, आज के दिन में नुपुर शर्मा मोदी से ज्यादा पॉपुलर है, अगर नुपुर शर्मा और मोदी के बीच में चुनाव हो जाए तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मोदी हार जाएंगे, नुपुर शर्मा जीत जाएगी, ये माहौल है देश में। अगर ये नेता सुनते हैं क्या, इनको जमीन को कान लगा के सुनेंगे तो तभी पता चलेगा ना क्या माहौल है, इतना आक्रोश है लोगों में, आमने सामने का चुनाव बोल रहा हूं मैं, दोनों में होता नुपुर शर्मा को ज्यादा वोट आएंगे, तो ये हाल है। तो आप लोगों को दोष मत दीजिए, लोगों में बिल्कुल ये है क्या क्या बोलते हैं अवेयरनेस है, फिर क्या करें, दूसरा चारा नहीं है, हम कहां जाएं, ये तो सवाल आता है ना, आप जाओगे कहां हमारे सिवा, ये सवाल है। तो सर क्या आप ये चीज मानते हैं कि ये लोग कांग्रेस को तो इन्होंने अच्छे से एक्सपोज कर दिया, एक पॉलिटिक्स जो शायद आप बेटर तरीके से समझा पाए कि जैसे कांग्रेस कहीं तुष्टिकरण वो तुष्टिकरण बोलते हैं, ये तृप्तिकरण बोलते हैं, क्योंकि तृप्तिकरण उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, बेशक उसको अलग तरीके से पेश किया जाए, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं कुछ करती है तो बीजेपी के लोग उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं,
लेकिन जब बीजेपी करती है तो कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोलते, तो इसलिए लोगों के नजर में ये भी है कि इनको ज्यादातर लोग विरोध करते हैं, जैसे पाकिस्तान विरोध करता है, कांग्रेस विरोध करती है, तो ये अच्छा ही कुछ कर रहे होंगे, ऐसा बहुत लोगों के माइंड में होता है। आपका सवाल कट रहा है यार, सुन नहीं पा रहा हूं मैं, सवाल कट रहा है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि इन्होंने कांग्रेस के झूठे सेक्युलरिज्म को एक्सपोज कर दिया, लेकिन इनके झूठे हिंदुत्व को एक्सपोज करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, जिसका परिणाम है कि ये लोग बीच बीच में कट रहे हैं। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, बीच में कट रही है जो क्या करूंगा, अब आप सुन पा रहे हैं? सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर एग्जिट करके फिर से आप ये करिए, थोड़ी सी नेट कनेक्टिविटी की इशू है आपकी तरफ से। सर मेरी तरफ से तो साफ है यार, इतना अच्छा है नेटवर्क हमारा, क्या समस्या? अब आपकी आवाज आ रही है, मैं ये कह रहा, जी मैं ये कह रहा कि कांग्रेस के झूठे सेकुलरिज्म को इन्होंने एक्सपोज कर दिया, बट इनके झूठे हिंदुत्व को एक्सपोज करने के लिए भी कोई सामने नहीं आ रहा है, जिससे लोगों के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं, सारे तो नहीं है, कि ये कुछ अच्छा ही कर रहे हैं तभी इनका सभी लोग विरोध करते हैं। नहीं नहीं इनका इनका ये तो अभी एक्सपोज हो रहा है, लेकिन कई लोग तो बोलते हैं कि एक मौका देख के देख लेते, थोड़ा सा सबर करते, ये माहौल है, ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल देख नहीं पाते, देख पाते सब कुछ, लेकिन कईयों को ये मान है कि कोई बड़ा स्ट्रेटेजी होगा, कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, हम भरोसा रखते हैं या इनके सिवा किसके ऊपर भरोसा रखेंगे, तो ये बात है, ऐसा नहीं कि वो सब अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं बोलते कि सब अच्छा कर रहे हैं, गलत हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई रणनीति होगी, तो ये भरोसे बोलते हैं ना, भरोसे पे रहना, ऐसा है। तो सर ऐसा नहीं लग रहा कि ये रणनीति लोगों को एक स्लेब बनाने की दिशा में काफी तेजी से आगे लेकर जा रही है, जहां से मतलब स्ट्रगल करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे? जिस मास्टर स्ट्रोक की आपने बात कही, जो कि लोगों के माइंड में बैठा है कोई रणनीति होगी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये रणनीति उनको गुलाम बनाने की तरफ ले जा रही है? क्योंकि आज थोड़ी सी नेटवर्क का इशू है, इसलिए माफी चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि इधर से तो कोई इशू नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपकी नेटवर्क ठीक नहीं है शायद, आपका आपका आवाज कट रहा है, मतलब आपका नेटवर्क ठीक नहीं लगता है, मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना। चलिए आप जितना सुन रहे हैं आप ये कर लीजिए, तो काफी टाइम हो गया है, बस थोड़ी सी और ये कर लेते हैं। मैं ये कह रहा कि आपने जो कहा कि लोगों के पास एक है कि कुछ इनकी स्ट्रेटजी होगी, तो क्या उस स्ट्रेटजी के सहारे बैठे लोग, ऐसा नहीं कि लोग गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहे हो? होते कई लोग तो कहते हैं विश्वास रखो यार, एक मौका दिया दूसरा मौका दे दो, तो दूसरा चारा नहीं है, कुछ होगा, भरोसा रखो, ऐसे हम भरोसे भी देते हैं। जी जी मालूम तो है कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मालूम तो है, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी होगा, अच्छा होगा आगे जाके। तो जैसे कि आप आपकी तो जितने एक्सपीरियंस है, आप जिस तरह से देख रहे हैं, हर जगह ये नहीं हो रहा है कि लोग विक्टिम बनकर सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जैसे किसी बयान को उठा लिया उसके सहारे, अभी ये कर रहे हैं, अब किसी ने मोदी जी को रावण बोल दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो अब उसके ऊपर पॉलिटिक्स शुरू, बाकी उन्होंने इतने साल में क्या डेवलपमेंट किए, किस तरह की स्थिति रही, उसके ऊपर ना चर्चा होके अब वो चर्चा हो गई सिर्फ बयानों के आधार पर, तो इनकी पॉलिसीज के बजाय आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स आज लोगों के बयानों के आधार पर हो रही है? और इस बिल्कुल यहां तक गिरावट आई है ना, यहां तक गिरावट आई है, और दोनों पक्षों को यही चाहिए कि आपस इसी मुद्दे पे लड़े, दोनों पक्षों को चाहिए ना, ये दूसरा असली मुद्दे पे आएंगे तो दोनों नंगा हो जाएंगे, तो आपस में कुछ सांड-गांड होगा शायद। जी ये हो सकता है कि इनके स्ट्रेटजी हो कि हमने इतना दिन ये किया, फिर अब आप इतना दिन ऐसा करो, क्योंकि विपक्ष अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो वापसी करना चाहती है, और आज जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के बयानों के आधार पर लड़ी जा रही है, और लोगों ने क्या किया इसके ऊपर तो चुनाव हो ही नहीं रहे। चलिए आज थोड़ी ना हम लोगों के साथ मतलब जो भी है वॉइस की इश्यू आ रहे हैं,
हम लोग फिर से कभी कनेक्ट होंगे और काफी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। आज मेरे ख्याल से जो भी थोड़ी बहुत इशू रही जिसकी वजह से हम उतने अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन हम जल्दी ट्राई करेंगे कि हम जुड़े और इस चीज के ऊपर चर्चा करें। सर अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से दोबारा जुड़ेंगे कभी और इस चीज के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अगर वो अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो सर आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर कभी आपसे कनेक्ट होंगे और इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे आपसे। जी, धन्यवाद, धन्यवाद।